चाइना न्यूज वक्त और हम साथ साथ। सिटी प्रेस क्लब कराची में नए साल की आमद पर एक पूर्वकार तकरीब। इस वक्त हम सिटी प्रेस क्लब कराची में बैठे हुए हैं, जो यहाँ का मेन ऑफिस है, और मैं इस इलाके कराची का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ एंट्रो पाकिस्तान की जानिब से, और खुदा का खादम होते हुए पास्टर अकरम जॉन मेरा नाम है, और मुल्क के पाकिस्तान के हम क्योंकि यहाँ के रहायशी हैं। इस तरह से रिपोर्टें चलाई थी, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मैं सेहतियाब हूँ, और मैं चाहूँगा कि बनते हुए अपने इदारे में सिटी प्रेस क्लब में और हिफाजत अखबार में आज आपको यह कहना चाहता हूँ कि खुदारा जो 14 साल मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम किए हैं उसकी अकासी मेरा जो है इदारा भी करेगा, और मेरे पास जितने जो है वो सबूत हैं वो सारे इस बात की अकासी करते हैं कि मेरे इदारे ने मिलकर हमारे क्रिश्चियनों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, एकड़ एकड़ के जो है कम्युनिटी सेंटर भी बना के दिए हैं, वो हमारे नाम पे हैं, हमारे ही लेटर हेड पे हैं। तो मैं आप लोगों से क्रिश्चियनों से ये इंतहाई जो है वो दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कदर करें, और इसके जितने भी जो है जो इस पे जुल्म और तशद्दुद है उनके भी खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो मेरा ख्याल इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। अब तो मैं यही कहूँगा सबको, पूरी दुनिया को ये बात कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही मौका बहुत अहम है, वक्त भी बहुत अहम है कि नया साल आज अपना सूरज शुरू कर चुका है, और इस नए साल के तुलुए सूरज के साथ, तुलुए आफ्ताब के साथ जो हमें नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इस मौके पे माशाल्लाह हमारे इस इदारे में एक सुतून की हैसियत रखने वाला हमारा अपना बच्चा शाहिद गौरी मौजूद है माशाल्लाह, और डेढ़ महीने पहले जो भी हुआ सबको मालूम है, यकीनन सोशल मीडिया से तमाम लोग कनेक्टेड हैं, और सोशल मीडिया एक एक लम्हे की खबर जो है ना उसका जरिया है, तेज रफ्तार से जरिया। तो हमारे रोजनामा हुरियत से लेके रोजनामा हिफाजत और चाइना डिजिटल टी वी, चाइना न्यूज एजेंसी, सिटी प्रेस क्लब कराची, लाइफलाइन, वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारे प्लेटफॉर्म माशाल्लाह यहाँ से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, और यहाँ से अपनी इस मुल्क की मोहब्बत का प्रचार करने में, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सरहदों की और बैरूनी और अंदरूनी तमाम जो हमारे यहाँ एक इंतशारी कुव्वतें हैं उनके खिलाफ सीना सिफर होकर यहाँ माशाल्लाह अपनी बाकायदा एक जंग लड़ रहे हैं हम लोग, और इस सारी सूरत हाल में ये जो वक्त हमारा गुजर रहा है आज माशाल्लाह, ये अभी क्रिसमस से लेके और अभी तक पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बाकायदा हॉलीडेज मना रहे हैं, और यकीनन ये उनके हवाले से एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मौका है, और इस मौके पे माशाल्लाह शाहिद हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने उसको नई जिंदगी दी है, लेकिन जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की, ये बेगैरती दिखाई, आखिर उसका कसूर क्या था? सबको पता है कि वो हक बात करता है, गलत को गलत कहता है, सच को सच कहता है, और इस मुल्क की बका और सलामती और हिफाजत के लिए सरगर्मी अमल है, यही उसके कसूर थे। अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी राह रास्त दिखाता है, जो बेवकूफ चंद टकों के अवज मुख्तलिफ लोगों के आलाकार बन जाते हैं, उनके एजेंटी का किरदार अदा करते हुए अपने मुल्क, उस सरजमीन, उस धरती माँ जो पूरा मुल्क है, वो ये खास धरती नहीं, पूरा मुल्क धरती माँ है, और हमें इससे मोहब्बत करनी है। धरती माँ पाकिस्तान है, और इस धरती माँ से हमें मोहब्बत करनी है, और इसकी बका के लिए और इसकी हिफाजत के लिए
वो भी अपनी कम्युनिटी में लोगों को समझाता रहा और उनको मुख्तलिफ जराए से हिफाजत न्यूज पेपर में क्रिश्चियन कम्युनिटी एडिशन के हवाले से और मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए और माशाल्लाह उसकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काबिशें हैं। मैं भी अक्सर ये छोटी सी एक महफिल है, बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूँ। मेरे लिए ये असल में एक बहुत अहम दिन इसलिए भी हुआ करता है कि आज से 15 सदी पहले मेरे आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके ऊपर मक्के की गलियों में जिंदगी तंग कर दी गई थी और मक्के के अंदर कुफारा ने मक्का ने आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी थी, तो उस वक्त हफ्शा का बादशाह जो यकीनन ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था नजाशी, उसने उस बादशाह ने मेरे आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप समझते हैं कि वहां पर आप पे ज्यादतियां बढ़ती चली जा रही हैं और जुल्म की कैफियत रोज रोज इजाफा होता चला जा रहा है तो मेरा ये मुल्क आपके लिए हाजिर है, आप यहाँ मेरे मुल्क पे आए और आके अपने जो तबलीग के जो भी काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ बैठ के बड़ी आजादी के साथ इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। ये वो पैगाम मोहब्बत था, ये वो पैगाम अमन था कि मैं अक्सर सोचता हूं ये कर्ज है हम सबके ऊपर, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कर्ज है। मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूं कि कहीं ना कहीं मैं उसकी कीमत को खैर नहीं चुका सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसका हक किसी ना किसी बुनियाद पर अदा करता रहूं जब तक मेरी सांस में सांस है। फिर उसके फौरन बाद बैठे 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 इधर बैठे